बहुत बड़ी खबर आपको दें, इमरान खान पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। बहावलपुर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न जारी है। आपको रोही ब्रेकिंग दे रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। बहावलपुर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न जारी है। मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, भंगड़े जारी हैं। आपको अपडेट करें, बहावलपुर से जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न जारी है, कारकुनान नारे लगा रहे हैं, जोशो खरोश उनका दिख रहा है। आप बराह रास्त अपनी टीवी स्क्रीन पर मुनासिब देख रहे हैं, मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। इमरान खान पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। बहावलपुर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न जारी है। आपको रोही ब्रेकिंग दे रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। आखिरकार वो फैसला आ गया जिसका सबको इंतजार था, इमरान खान पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। बहावलपुर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न जारी है। मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, कारकुनान की जानिब से भंगड़े भी जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है मोहसिन उल मुल्क ने। जी मोहसिन बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है टीवी के ऊपर, इमरान खान को सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में वोट मिलने के बाद वो वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। यहाँ पर मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं और जोशो खरोश जो है कारकुनों का अरूज पर पहुंच गया है। वो दिन आ गया है जिसका सबको इंतजार था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब बनने में कोई देर नहीं है। इमरान खान की तमाम चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, तमाम लोग इस वक्त जो है खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पर बहावलपुर के तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त शदीद अपना जुनून दिखा रहे हैं। खिलाड़ी इस वक्त बस नहीं चल रहा, वो डांस कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, क्योंकि बहावलपुर एन 170 से फारूकी आजम मलिक जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे और इससे जीते थे, और इसी तरीके से 246 के सबीउल्लाह चौधरी जो है वो जीते थे। इस वक्त मिठाइयां खिलाई जा रही है और भंगड़े डाले जा रहे हैं, हर तरफ जो है खुशियां है, पीटीआई के नारे लग रहे हैं और कारकुनान का जो चक्रोश गुलगुला जो है वो जीत रही है। यहाँ पर घर की थाप पर पहले से अरेंजमेंट थी लोगों की, लोगों को पहले यकीन था कि उनका जो वजीर आजम है वो इमरान खान ही सिलेक्ट होगा, इसीलिए उन्होंने पहले मिठाइयां भी मंगवा रखी थी, ढोल का इंतजाम था, सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट का सुनना था। उसके बाद यहाँ पर जोश और खरोश जीत नहीं है। इस वक्त मिठाइयां तकसीम की जा रही है, कुछ कारकुनान से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, कैसी फीलिंग है आपकी, सबको मिठाइयां खिलाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लीडर इमरान खान साहब, भाई बहुत भारी तरीके से पाकिस्तान की तारीख के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात से, और पूरे गिरमान की आवाम टीवी 250 की आवाम इमरान खान के साथ इतनी खुश है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदली जाएगी। आपने मिठाई खाई है? मिठाई खाई है आपने? क्या आपने मिठाई खाई है? हाँ जी, मैंने खुद ही मिठाई खाई है। ठीक है, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई जो अप्रोच है जो कि इसे ठीक नहीं है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और इसी तरीके से इस जगह से एक रैली की सूरत में बाहर शहर में भी जाएंगे, जहां पर ये भंगड़े डालते हुए लोगों को भी अपने जोश और खरोश का बताएंगे। लेकिन अभी यह भंगड़ा सिलसिला जारी, अगर फिल्म दिखाएं तो जीत नहीं है इनकी खुशी, क्योंकि ये वो दिन आ गया जिसका ये लोग सोचते थे, शायद तसव्वुर करते थे, और इमरान खान की जद्दोजहद, सीपीआई के कारकुनान की मेहनत आज इनको समर भी दे रही है और वजीर आजम को पाकिस्तान इमरान खान नामजद हो गए हैं और नामजद वजीर आजम कल हलफ उठाएंगे। लेकिन जोश और खरोश जो है भरपूर है इस वक्त, नारेबाजी हो रही है। जैसे कि खिलाड़ी हमेशा से अपना मुख्य स्टाइल रखते हैं, आज भी ये स्टाइल इनका दिखाई दे रहा है, भंगड़े और भंगड़ों के साथ साथ जोश जुनून तमाम चीजें सामने है और यहाँ पर जो है हर चीज मौजूद है। उनके पीटीआई के जो कायद हैं इमरान खान, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वोट उन्होंने ले लिए 46 और वो वोटों की गिनती के बाद जैसे ही पार्लियामेंट हाउस से आवाज आई इन वोटों की गिनती की, और इस वक्त ये जोश और खरोश बलबला बहावलपुर के आवाम का जीत नहीं है, झंडे पार्टी पश्चिम हाथों में उठाए ये नौजवान
नौजवान भरपूर जांच कर रहे हैं, बंगले डाल रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। खुशी का मौका है, इनका कहना है कि ईद से पहले इनकी ईद हो गई है और इस वक्त वो बहुत जोश खरोश में है और जोश खरोश इनका दिखाई भी दे रहा है। बच्चियों की छयापूर के कारकुनान इस वक्त अपना पूरा जोश दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगले 5 साल के लिए इमरान खान नाम दर्ज हो गए हैं और पार्लियामेंट के अंदर उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिसकी वजह से कारकुनान इस वक्त जोश और बंगला उनका जीत नहीं है। हर तरीके से यहाँ पर पूरा शो दिखाई दे रहा है पीटीआई की तरफ से। पीटीआई के कारकुनान जो है ढोल की थाप पर मुख्तलिफ स्टाइल पर भंगड़े डाल रहे हैं, मुख्तलिफ बीट के ऊपर ढोल की भजवा के वो ये स्टाइल अपनाए हुए हैं। और इस वक्त जो है भावलपुर के ये खिलाड़ी हर तरह से अपने कायद का की खुशी मनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं, ढोल भी ज्यादा है, यहाँ पर नारेबाजी आपको लाइव सुनाते हैं, नारेबाजी हो रही है यहाँ पे जी। इमरान जी क्या कहेंगे, कितना जोश है जी, और आपने पीटीआई के ये बैंड्स भी पहने हुए हैं, क्या कहेंगे जी? पीटीआई जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान, इमरान खान जी और उसकी वजीर आजम के कहने के साथ साथ दोबारा से रक्त शुरू हो जाता है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ये लोग और उसके बाद फिर एनर्जी लेवल बहाल करते हैं और दोबारा से फिर जंगलों का जोश और जुनून इनका जीत नहीं है, क्योंकि वो लम्हा आ गया जिसका सबको था इंतजार। पीटीआई के कारकुनान की तरफ से भंगड़े डाले जा रहे हैं ढोल की थाप पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट दिए हैं कौमी असेंबली में इमरान खान ने और इस वजह से इस जैसे स्पीकर ने अनाउंस किया रिजल्ट। यहाँ पर नारेबाजी, जोश खरोश और इस हॉल के बाहर भी एक बड़ा मजमा है जो कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने पर जोश और बलबला दिखा रहा है। भावलपुर में ये सिनेरियो है इस वक्त, गर्मी में भी जोश और जुनून जो है खिलाड़ियों का बढ़ता जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया मोहसिन मुल्क, हमें तफसील नगाह करने का। हम ब्राह रास्त मनाजिर देख रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर, इमरान खान की जिदोजहद और कारकुनान की मेहनत रंग ले आई, मिठाइयां भी खिलाई जा रही थी, जोशो खरोश वलवला दीदनी था, ढोल का पहले से इंतजाम किया गया था, मिठाइयों का पहले से इंतजाम किया गया था, क्योंकि खिलाड़ियों को यकीन था कि इमरान खान वजीर आजम बनेंगे, उनके नारे थे आई आई पी टी आई आई।